हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो जैसे कि टाइटल से आपको पता लगी गया, ट्रैवल वीडियो। आज मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, अभी सेट हो गया हूँ बिल्कुल, बैग वैग पैक कर लिया है, खाना ट्रैवलिंग के लिए, रास्ते के लिए खाना ले लिया है। 15 घंटे का सफ़र है और अभी जा रहा हूँ मैं रेलवे स्टेशन। टैक्सी ऑलमोस्ट आ ही गई है, 2 मिनट में आने वाली है। टैक्सी ऑलरेडी आ चुकी है, चलते हैं, मिलते हैं आगे। ये मेरी तीसरी बार है रशियन ट्रेन में बैठ गया हूँ कि अपनी सीट पे, यही मेरे को नीचे वाली सीट मिली है, ऊपर एक और है और साइड वाली सीट है। ये मेरा व्यू रहेगा विंडो का। 15 घंटे का सफ़र है, देखते हैं, दिखाते हैं आपको साथ में। सो अभी आ गया हूँ मैं चिलेविंस में। 15 घंटे की ट्रेन की राइड थी, जर्नी थी सॉरी, और जर्नी अच्छी थी। मैं मैक्सिमम टाइम सोता ही रहा, उसके बाद सीधे हम यूनिवर्सिटी आ गए। अपना सामान यूनिवर्सिटी के इधर किसी कैंपस में रख दिया, वहाँ से सीधा आने के बाद 1 बजे हमारी कॉन्फ्रेंस है। अभी बजे हुए हैं 10। कॉफ़ी ब्रेक मिला है हमको, कॉफ़ी पे जा रहे हैं। सुबह का ब्रेकफास्ट कुछ नहीं किया है, लंच करेंगे सीधा, उसके कॉफ़ी ब्रेक में कॉफ़ी पीने जा रहे हैं। हमारे साथ कुरातर मिले हमें, 2 लोग, वो लोग हमारे साथ होंगे पूरा टाइम, दिखाते हैं आपको, मिलवाते हैं आपको। हमारी कॉन्फ्रेंस वगैरह हो गई है, जो कुछ हमें बोलना था, मेन टास्क था जो यहाँ आने का, वो भी ख़त्म हो गया। अब हमें सर्टिफिकेट मिलेंगे जो मेन चीज़ है, वो होगी अभी। और एक्साइटेड हैं, इसके बाद हमारा ख़त्म हो जाएगा आज का, यहाँ आने का मकसद भी ख़त्म हो जाएगा सारा एजुकेशन रिलेटेड। उसके बाद कल्चरल कुछ पार्ट होगा, घूमेंगे फिरेंगे, देखते हैं। मेरे को और मेरे साथ अनभु है, जो उसको, हम दोनों को फर्स्ट प्लेस मिला है हमारे सेक्शन में हमारे प्रेजेंटेशन के लिए। दिखाता हूँ आपको अभी सर्टिफिकेट। ये यहाँ की कैंटीन जहाँ पे हमने खाना खाया है अभी, और ये कैंटीन यार यहाँ की मेरे को बड़ी पसंद आ गई, बिल्कुल रेस्टोरेंट टाइप लग रही है, बहुत ही सुंदर है, कलरफुल है, बढ़िया है। खाने के लिए भी प्लेटें लगी हुई हैं, जैसे एयरपोर्ट पे बेल्ट होती है ना, उसके ऊपर प्लेट रख दो, अंदर लेके चली जाएगी, बड़ी मस्त हो रही है। खाना भी अच्छा था, मैंने डाली है छोटी सी क्लिप उसकी भी। और अभी हमारा होगा एक्सकर्शन, एक्सकर्शन के लिए जाएंगे चेंज करके क्लॉथ्स वगैरह, उसके बाद हम एक्सकर्शन पे चले जाएंगे। सो नाउ हमारा एक्सकर्शन स्टार्ट हो गया। हम सबसे पहले आए हैं म्यूज़ियम के अंदर, यहाँ सिटी का जो म्यूज़ियम है। इतने सारे लोग हैं हमारे साथ, यहाँ पे वो मेटरोइड है जो कि 2013 में गिरा था। इसके बारे में क्विक फैक्ट्स बताता हूँ, ये 18 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से नीचे आ रहा था। इसका एक्चुअल वेट जब ये आसमान में था, तब था इसका एक्चुअल वेट 8,000 टन्स, और ये नीचे आते आते इतना बच गया था। अभी इसका वजन था 505 किलोग्राम। और वीडियो में आप देख रहे होगा कैसे कांच फूटा जब ये गिरा, कितने लोगों को चोट लगी, मरा कोई नहीं था लेकिन बच गए थे सब लोग, चोट बहुतों को लगी थी। देखना है तो कभी चिलेविंस में आगे देखना म्यूजियम। Уралу обитатели давних времен, времен Плейстоцена, ледниковый период, последний beer of mammoths, you can see, and this is a beer, как еще пещер, cave beer, I don't know. Yes. Травоядный был. He was not, he ate the vegetables, not meat, okay. Vegetarian beer. Vegetarian. म्यूज़ियम में बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर सबके बारे में बताऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। बहुत अच्छा म्यूज़ियम है, अगर आप कभी चेलेबिंस्क में आओ तो यहाँ आके ज़रूर रहना। It's called there.
ये जो एनिमल है ये एक्सटिंक्ट हो चुके थे 8000 ईयर्स एगो, और ये लोग सब्जियाँ वगैरह ही खाते थे। यहाँ पे इसका ये एंड प्रोडक्ट कह सकते हैं मिला था। Вождь либо шаман обнаружили на территории нашей области. It's Stone Age in 5 до нашей эры. Before our go to river by this boat from one side of. बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंटरेस्टिंग है। फॉर एग्जांपल जैसे ये बोट है, यहाँ पे पीछे जो ह्यूमन स्केलेटन था वो बिफोर क्रिस्ट 5000 ईयर्स बिफोर क्रिस्ट था, स्टोन एज के टाइम का था, और उसके बॉडी के साथ साथ वो मेटल भी मिले थे जो उसके ऊपर रखे हुए थे। और उससे पहले जो स्केलेटन था वो बियर का स्केलेटन था, और वो बियर मीट नहीं खाता था, वो 1000 साल पहले एक्सटिंक्ट हो चुके हैं उस तरह के बियर, वो मीट नहीं खाता था, वो केव के अंदर रहता था, वेजिटेबल्स खाता था, ऐसा ही लोग बता रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं मिस कर रहा हूँ अभी। Печь у нас здесь представлена, да? Плавили эту бронзу и затем уже различные делали изделия. Чеканили на камне, заливали бронзой. Все вот эти вот поселения Аркаим, они были сожжены. All these villages were burned. Это башкирский охотник перед нами в своем национальном зимнем одеянии. This is Башкирия, да, коренное население, кстати, да. Казак. Казак. Есть казахи, национальность казахи. Это Ростов. Это казаки, это образ жизни, казаки. म्यूजियम ख़त्म, अभी हम कहीं और जा रहे हैं, देखते हैं कहाँ जा रहे हैं। नाउ हियर द इको, दिस प्लेस हैज इको, डू इट अगेन। इज द रूफ, इट्स बिकॉज ऑफ द रूफ एंड दिस एरिया, यू कैन सी इट, यूनिक आर्किटेक्चर, यूनिक आर्किटेक्चर इनसाइड अ रेलवे स्टेशन इन चिल्याबिन्स्क। डू विजिट दिस प्लेस, tell you good luck, and it's really good that you make a vlog about Russia, and I want to see you one more time to show you more in our country, and nice to meet you. Nice to meet you too. Nice. Там ничего нету, у нас только завод и очень грязный город. У нас очень чистый город, не слушайте его. Это суровый уральский парень говорит. Два суровых уральских парня. Bye. 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 See you guys. Bye. All right. Bye. Are you also hungry? Yes. Goodbye. You can send this to please. Okay. I'm from Nigeria. I'm a Nigerian. It's nice to be here in Chile. I'm pleased. I would like to be here again. Bye. Bye. So these are people from another university. They are all from different nations. This place is just inside the railway station. We are having a tour inside the railway station. Imagine, railway station can be so beautiful. It seems like a museum. This is gold and this is silver. These paintings are made up of silver and gold. This is air conditioner. And this is from 20th century. 20th सदी में ये बना दिए गए थे और अभी तक हैं यहाँ पे, यहाँ पे अलग अलग जगहों पे लगे हुए हैं। देखने में लगता है कोई आर्किटेक्चर किया हुआ है,
लेकिन है ये एसी। ऐसा रेलवे स्टेशन मैंने कहीं नहीं देखा, इससे अच्छा आई थिंक मैं कभी देख भी नहीं पाऊँगा। मे भी कोई हो बट आई डोंट नो। अगेन दिस द पार्क इनसाइड रेलवे स्टेशन ऑन द सेकंड फ्लोर। सेकंड फ्लोर के ऊपर आके यहाँ पे पार्क बनाया गया है, और ये अभी से नहीं है, 1964 से है इसको बना हुआ, इसकी रिकंस्ट्रक्शन करते रहते हैं, बट स्टिल आइडिया। मैंने अभी रियलाइज़ किया, मैं बीच में इंग्लिश बोलने लग गया था पता नहीं क्यों, पर वो निकल रही थी। कुछ लोगों के लिए अच्छी बात है वैसे। ओपन म्यूजियम में, ओपन म्यूजियम अंडर ओपन स्काई। यहाँ पे ट्रेन है, मैं आपको बगजाल के टाइम, रेलवे स्टेशन के टाइम बताना भूल गया कि यहाँ से ट्रांस साइबेरियन ट्रेन स्टार्ट होती है। यहाँ पे पुरानी ट्रेन्स हैं म्यूजियम में, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम की हैं। इससे पहले कि हम अगली जगह पे जाएं, मैं आपको फैक्ट्स बताता हूँ इस सिटी के बारे में। इस सिटी को टैंक सिटी भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टैंक बनते थे। एक टाइम में यहाँ पे 8000 टैंक 4 साल के अंदर अंदर बनाए गए थे। और इस सिटी में ट्रैक्टर्स की बहुत बड़ी फैक्ट्री है, जहाँ पे ट्रैक्टर्स बनाए जाते हैं। मैं अभी अंदर जाता हूँ, लोग चले गए। ट्रैक्टर्स की बहुत बड़ी फैक्ट्री है, और उसकी वजह से यहाँ ट्रैक्टरिस्ट नाम से फुट हॉकी की, आइस हॉकी की टीम भी थी बहुत फेमस रशिया की। इस मशीन का नाम है कात्यूशा, और ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूज़ हुई थी। उस टाइम जर्मन्स इससे बहुत डरते थे कि ये है क्या, क्योंकि उनको आइडिया भी नहीं था ये है क्या। और ये एक्चुअली ऐसी चीज़ है, इसमें लोहे के गार्डर लगे हुए हैं ऐसे, हैं, उसके ऊपर से इसे रॉकेट उड़ते थे, छोटे छोटे रॉकेट, और ये बहुत फ़ायदेमंद साबित हुई थी इन लोगों को। एक्चुअली हम अभी एक पार्क में हुए हैं जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड है। यहाँ पे पुराने टैंक और ये सब चीज़ें रखी हुई हैं वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड। हर सिटी में आपको ऐसा पार्क मिल जाएगा। हम लोग भी आए हुए हैं इस सिटी के इस पार्क में, इसके बाद हॉस्टल जाएंगे। सो नाउ आई एम गोइंग टू एंड द वीडियो ओवर हियर। आई होप आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करके जाना, सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को, शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। And there is nothing to see in Chelyabinsk. No, there's a lot of place to see. Там ничего нету там. У нас только завод и очень грязный город. У нас очень чистый город. Не слушайте его.